बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम नाइन्थ क्लास हम मैथ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन फर्स्ट है। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने इलम सीखने के साथ साथ, तालीम सीखने के साथ साथ तमीज़ को भी लाजमी सीखना है, क्योंकि तमीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है एक तालब इलम के लिए और एक आम और हर ख़ास शख्स के लिए। तमीज़दार होना फैमिली के लिए बाइस फ़खर वो शख्स होता है जो हर फर्द के साथ तमीज़ के साथ पेश आता है। तो कोशिश करिएगा अमल करने की। क्वेश्चन पर चलते हैं। कालबों के मकूस से मसावात को हल करें, इसका क्वेश्चन नंबर एक, आठ जुज है। पहले इसे कालब की शक्ल में लेके जाएं और कालब की शक्ल देखें। इधर से ही हम हल से स्टार्ट कर लेते हैं। कालब x के साथ इसका अददी सर क्या है, 2 है, कोफिशेंट 2 है। y के साथ क्या है, -2, फिर x के साथ 3, y के साथ 2। साइन मनफी के तो लिख देंगे, प्लस की लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये लिए किससे हैं, x से और y से, और ये इक्वल किसके हैं, 4 के और 6 के। हमने ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कालब के मकूस के मेथड से, ये आपके पास a कालब है, ये b है, b नहीं ये x है, और ये हमारे पास है b है। हमने मालूम क्या करना है, इसमें से x और a दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाता है, इनवर्स का। और इसको आप जानते हैं कि इनवर्स से क्या मुराद होती है, अर्जाइंट ए बी साथ वैसे का वैसे और ए का डिटर्मिनेंट। ये सारी वैल्यू 1.5 एक्सरसाइज के अंदर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो हम वहाँ पे सॉल्व करके आए हैं। इसके मुताबिक हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम ले लेते हैं। ए इट्स इक्वल टू -2, 3 और 2। लेना क्या है, मक्ता 2, 2, 3 और 2। डिटर्मिनेंट जो मकता है वो ले लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ। दरमियान में क्या आता है, माइनस, क्योंकि फर्स्ट डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होता है। फिर मनफी 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 2, 2, 4, मनफी मनफी प्लस 2, 3, 6। आंसर कितना आ गया, 10। जब ये आंसर आ जाएगा तो फिर आगे भी हल इसका मुमकिन होगा। अब क्या लेंगे, अर्जेंट, अर्जाइंट में क्या करते हैं, पहले साथ लिख लेते हैं, भी हम अर्जाइंट ले ले रहे हैं, किसका, 2 का, -2 का, 3 का और साथ 2 का। जी सभी लोग जानते हैं कि अर्जाइंट में क्या किया जाता है, पहले की जगह चेंज, पहले डायगोनल की और दूसरे की अलामत चेंज। समझ आ गई, अर्जाइंट भी आ गया, एक अमकता भी आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल अर्जाइंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2, 2, -3, 2। फिर b और b, आगे b लिखा है, और इस b की वैल्यू कितनी है, 4 और 6। एक अमकता है, उसके आंसर कितना है, 10। कतार से ज़रब देंगे किसके साथ, कालम के साथ। 1/10 को स्टार्ट पे लिख लेना करना, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, दरमियान में क्या आता है, प्लस, पहला अदद पहले अदद से मिलेगा और दूसरा अदद इधर 2 है और इधर है 6 है, फिर इधर -3 है और इधर 4 है, प्लस इधर दूसरा 2 है और इधर दूसरा 6 है। 1/10 चेक करें क्या आएगा, 2, 4, 8, 2, 6, 12, 3, 4, 12 और 2, 6, 12। बाकी क्या बचा, 8 और 12, 20, प्लस और मनफी गया तो बाकी क्या आ गया, 0। अब ये 10 को क्या करना है, पहले पे भी डिवाइड और दूसरे पर भी डिवाइड। ये क्या आ रहा है, x, इस x की जगह पे हम दोबारा क्या लिख लेंगे,
इस एक्स की जगह पे हम दोबारा एक्स और वाई लिख लेंगे। कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया है 10 to 20 और ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो तो आंसर जीरो। एक्स बराबर 2 आ गया और वाई इक्वल क्या आ गया, जीरो। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि समझ आई होगी। जल्दी से सॉल्व करें फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 2 है वैल्यू 2x प्लस वाई इक्वल 3 है, 6x प्लस 5y इट्स इक्वल 1 है। पहले इसे मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेते हैं। इधर से 2 आ गया जिसके साथ कोई कोफिशेंट या अधिसार नहीं है, उसकी जगह पे क्या होगा, 1 होगा। 2 और 1 आ गया। फिर नीचे वाली में देखिए 6 है और y के साथ 5 है, लिए किससे, x और y के, इक्वल किसके हैं, 3 और 1 के। पहला क्या है ए मैट्रिक्स, दूसरा क्या है एक्स है, तीसरा क्या है बी। मालूम क्या करना है, एक्स ए दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, इनवर्स का। इनवर्स का हमें पता है ए बी किसके इक्वल होता है, अर्जाइंट ए और बटा है ए का मक्ता और साथ बी वैसे का वैसे। इनकी वैल्यू लेंगे और बाद में हम इनकी जगह पे पुट कर देंगे। ए क्या है, 2 है, वन है, 6 है और 5। लेना क्या हमने, मक्ता डिटर्मिनेंट 2, 1, 6 और 5 का। क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई किया पहले वतर के साथ 5 है, 1 फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 2 5 10 6 1 6, आंसर क्या आ गया, 4। ए का मक्ता कितना आ गया है, 4। इसके बाद किसकी ज़रूरत है, अर्जाइंट की, अर्जाइंट ए अर्जाइंट और ए का कॉलम है 2 1 6 और 5। क्या किया जाता है अर्जाइंट में, पहले वतर की जगह चेंज 5 2 और दूसरे वतर की अलामत चेंज। ये क्या आ गया, अर्जाइंट आ गया। अर्जाइंट के बाद क्या करना पड़ेगा, वैल्यू हमें इसमें दर्ज करनी पड़ेगी और एक्स और एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक्स इक्वल क्या है, अर्जाइंट ए और अर्जाइंट ए की वैल्यू क्या है, 5 -1 -6 और 2। आगे बी और बी की वैल्यू कितनी है, 3 और 1। ए का मक्ता कितना है, 4। 1/4 को स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ज़रब हो रहे हैं, हम ज़रब दे देंगे। 5 को ज़रब दिया किसके साथ, 3 के साथ, प्लस 1/1 को ज़रब दिया 1 के साथ। 6 को ज़रब दिया किसके साथ, 3 के साथ और 2 को ज़रब दिया किसके साथ, 1 के साथ। 1/4 5 3 15 -1 = 1 6 3 18 2 1 = 2 1/4 ये 14 आ गया और ये माइनस है 16 आ गया। ये 4 इन पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 14/4 16/4। इस एक्स की जगह पे दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स एंड वाई, 2 पर कैंसिल किया 7/2 4 4 16। आंसर क्या आ गया, एक्स का 7/2 और वाई का -4। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो पार्ट की समझ आई होगी। इससे तीसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है और अगर वो ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा और इंशाल्लाह इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।